नमस्कार, स्वागत है आपका केकेआर न्यूज में। मैं आपके साथ पिंकी राठौर। आइए बढ़ते हैं ताजा खबरों की ओर। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का बयान। कल अमित शाह का इंदौर दौरा था और इंदौर दौरे के अवसर पर भारतीय राजनीति के आधुनिक चाणक्य आदरणीय अमित शाह जी ने मध्य प्रदेश के चुनाव का आगाज कर दिया है। अमित शाह ने मध्य प्रदेश के अंदर कहा कि भाजपा का कार्यकर्ता प्रदेश बूथ पर 51% वोट का संकल्प लेकर चलना है, हर बूथ का विजय के संकल्प के साथ आगे बढ़ना है। भोपाल से संवाददाता आदिल खान की खास रिपोर्ट। कानून काम कर रहा है, कानून काम कर रहा है। कन्हैया कुमार चिंता मत करो, बचोगे नहीं। ये देश का कानून है, ये बाबा साहब अंबेडकर का कानून है। ये आपको छेड़ेगा नहीं, आपको देशद्रोह के इस मामले में आपको इस देश के अंदर जवाब भी देना पड़ेगा और आपको उसको भुगतना भी पड़ेगा। मैंने क्या कहा कि देशद्रोह का मुकदमा उनके ऊपर दर्ज है। कानून काम कर रहा है, बचोगे नहीं। ये कहने से काम नहीं चलेगा कि देश ने देखा है, दुनिया ने देखा है, देश के नौजवानों ने देखा है कि किस प्रकार से भारत माता के टुकड़े टुकड़े गए करने का इन्होंने षड्यंत्र कुचक्र जो पूरे जेएनयू से लेकर के देश के अंदर जाकर के करने का प्रयास किया है। लेकिन ये भारत का नौजवान, भारत का जनमानस भारत माता के लिए एक एक कदम पर अपने आप को बलिदान करने के लिए तैयार है। इसलिए तुम्हारे टुकड़े टुकड़े गेम के लोग और तुम्हारे विचार इस मध्य प्रदेश के अंदर इस धरती पर नहीं चलेगा। ऐसे झूठे, ऐसे छल कपट करने वाले, ये कोई इनको देश में कोई इनकी बातों को मानेगा? और इस प्रकार के शर्म आनी चाहिए। आप किन से तुलना कर रहे हैं? तुम इतने बड़े हो गए? ये देश देख रहा है, देश सुन रहा है कि आप किससे तुलना कर रहे हैं? ये देश आपको जवाब ही देगा, कड़ा जवाब देगा। लग रहा है कि आप हार्डकोर हिंदुत्व पे जा रही है। आप देखिए, नर्मदा सेवा समिति बना दी। झूठे झूठे छल और कपट करने वाले लोग, चुनाव के लिए षड्यंत्र करने वाले लोग, इनके जीवन में मैं तो पूछना चाहता हूं इन सबके इतिहास क्या है जो षड्यंत्र रच रहे हैं? मिस्टर करपनाथ का इतिहास क्या है देश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर? श्रीमान बंटा ढार का इतिहास क्या है देश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर? तो इसलिए इस प्रकार के इनके झूठे छल कपट करने वाले लोग इस मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं चलेंगे। इस मध्य प्रदेश की धरती में इन्होंने जवाब दिया है इनको, और जनता इनको 2023 के चुनाव में ऐतिहासिक बहुमत से भाजपा को जिता करके जवाब दी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, हम कार्यकर्ता आधारित संगठन है। इससे हमारे प्रधानमंत्री भी कार्यकर्ता हैं, हमारे मुख्यमंत्री भी कार्यकर्ता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कार्यकर्ता है, प्रदेश अध्यक्ष भी कार्यकर्ता है। इसलिए कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हमारा मूल है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को मैंने, आपको ध्यान में होगा, मैंने हमेशा ये कहा है कि चुनाव जिताने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही करता है। हम सब लोग तो निमित्त मात्र के लिए एक व्यवस्था के तहत सब काम करते हैं। कार्यकर्ता जमीन पर प्रत्येक बूथ पर लड़ता है और प्रत्येक बूथ पर जीतता है। इसलिए मेरा बूथ सबसे मजबूत और मेरा बूथ जीतने का संकल्प लेकर के भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती है। जो कल पाथे, कल मूल मंत्र माननीय अमित शाह जी ने इंदौर की ऐतिहासिक सड़क के अंदर दिया है। अमित शाह की कल माननीय अमित शाह जी का इंदौर दौरा था, और इंदौर दौरे के अवसर पर भारतीय राजनीति के आधुनिक चाणक आदरणीय अमित शाह जी ने मध्य प्रदेश के चुनाव का आगाज कर दिया है। और माननीय अमित शाह जी ने मध्य प्रदेश के अंदर कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर, जो हमेशा उनका मंत्र हम सब लोगों को विजय मंत्र हमेशा मिला है,
कि प्रत्येक बूथ पर 51% वोट का संकल्प लेकर के चलना, हर बूथ को विजय के संकल्प के साथ आगे बढ़ना। कल उन्होंने पूरे इंदौर संभाग के बूथ के कार्यकर्ताओं को जो उनका उत्साह और उमंग दिखाई दिया, तो माननीय अमित शाह जी ने विजय के संकल्प के साथ कल चुनाव का आगाज कर दिया है। और कल माननीय अमित शाह जी ने कहा कि करप्शन नाथ और मिस्टर बंटा ढार, इन दो लोगों को मध्य प्रदेश के अंदर चिताया भी है कि आपकी ये छल कपट और धोखे की राजनीति जो मध्य प्रदेश के अंदर मध्य प्रदेश की जनता के साथ आपने करने का प्रयास किया है। कमलनाथ जी ने जिस प्रकार से जिनको करप्शन नाथ इस नाते से आज पूरा मध्य प्रदेश पहचानता है, चाहे वो केंद्र के अंदर थे तब उन्होंने देश के साथ धोखा, देश के साथ गद्दारी, एक नहीं पता नहीं कितने उदाहरण हैं। मिस्टर दिग्विजय सिंह जिन्हें बंटा ढार के नाते से मध्य प्रदेश जानता है, इस मध्य प्रदेश के साथ, देश के साथ, भारतीय संस्कृति के साथ सेनाओं पर प्रश्न उठाने से लेकर हमारी संस्कृति पर प्रहार करने का काम मिस्टर बंटा ढार ने हमेशा किया। इसलिए मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता, जो 2003 का मध्य प्रदेश था और 15 महीने की सरकार में जो कांग्रेस की सरकार, मिस्टर करप्शन नाथ की सरकार, मिस्टर बंडागार के सारे पर चल रही थी, इन सारी बातों को जनता के बीच ले जाकर भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता विजय के संकल्प के साथ जुटा है। कल माननीय अमित शाह जी ने उत्साह और उमंग के साथ एक एक कार्यकर्ता को ताकत देने का काम किया है और लगातार हम मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का बूथ का कार्यकर्ता बूथ के विजय को लेकर के आगे बढ़ रहा है। बड़ा अजीब मुझे देखने को मिली कि इंदौर के अंदर कल एक मंच पर ऐसा संयोग था कि एक ओर मिस्टर बंटा ढार थे, दूसरी ओर मिस्टर करप्शन नाथ थे, तो उनके बगल में बैठे थे जिन्होंने भारत माता के टुकड़े टुकड़े गैंग के मुखिया, जो इस भारत को तोड़ने का षड्यंत्र जेएनयू के कैंपस के अंदर बैठ करके करते रहे, जिनको भारत माता के नारे से पीड़ा होती है, वंदे मातरम से तो बुखार आ जाता है, और भारत माता के टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य मुखिया कन्हैया कुमार उस मंच पर थे। ये देशद्रोही कन्हैया कुमार, मैं बड़ी गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं, मध्य प्रदेश की जनता को आज मैं इस बात को बताना चाहता हूं, ये वही गैंग है कि कमलनाथ भी देश से घात करते हैं, हमारी सेना की इंफॉर्मेशन से लेकर के उनको विदेशियों तक पहुंचाने का काम कमलनाथ करते हैं। तो दिग्विजय सिंह सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न खड़ा करके अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष तौर पर नक्सलवादियों से लेकर देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े करने का काम हमेशा दिग्विजय सिंह करते आए। इसलिए एक ऐसा मंच जो भारत माता के टुकड़े टुकड़े करने से लेकर के जिन्हें भारत माता के नारे पर आपत्ति है, ऐसा मंच कल इंदौर के अंदर कांग्रेस ने सजाया था। मैं कहना चाहता हूं मिस्टर कन्हैया कुमार, देशद्रोही कन्हैया कुमार, बताना चाहता हूं मध्य प्रदेश के अंदर, ये मध्य प्रदेश चंद्रशेखर आजाद का मध्य प्रदेश है, ये चंद्रशेखर शंकर सा रघुनाथ शाह का मध्य प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश टंट्या मामा का मध्य प्रदेश है, ये वीरों की क्रांतिकारियों की भूमि है, जहां पर लोगों ने भारत माता की जय के लिए और वंदे मातरम के लिए अपने जीवन को बलिदान दे दिया था। क्रांतिकारियों के नेता भारत माता के लिए, इस देश को आजादी दिलाने के लिए चंद्रशेखर राम प्रसाद बिस्मिल का प्रदेश है, वो भूमि है।
तुम्हारे जैसे देशद्रोही मध्य प्रदेश का एक एक नौजवान जानता है। कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए ऐसे देशद्रोहियों को इस भारत माता की भूमि पर, जिस भूमि पर लोगों ने बलिदान भारत माता की जय के लिए लगाया। ये बहुत शंकर शाह रघुनाथ शाह का प्रदेश है। कल आप आदिवासियों की बात कर रहे थे, कमलनाथ जी मिस्टर करप्टनाथ शर्म आनी चाहिए, मिस्टर बंटड है आपको शर्म आनी चाहिए। कल आप आदिवासियों की बात कर रहे थे, क्या आप आदिवासियों का अपमान करने के लिए कन्हैया कुमार को लेकर आए थे? जो शंकर शाह रघुनाथ शाह अंग्रेजों के सामने कहते हैं और तुमको मारना है, एक फांसी आसी क्या होती है, तोप से उड़ा दो। ये गोवा आदिवासी हमारे क्रांतिकारियों का प्रदेश है, भारत माता की जय के लिए। और कन्हैया कुमार जो भारत माता को तोड़ने के लिए टुकड़े टुकड़े करने का पूरे देश के अंदर अभियान चलाते, कांग्रेस के इस नेतृत्व को मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता को जवाब देना पड़ेगा। यह दुर्भाग्यजनक है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बूथ पर ऐसे देशद्रोहियों को जवाब देने के लिए सजग प्रहरी के तौर पर बूथ बूथ पर खड़ा है। ऐसे लोग आएंगे और यहां से डरकर वापस जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2023 में 2024 में इतिहास और प्रचंड बहुमत के साथ बनेगी। मैंने नहीं कहा कन्हैया कुमार ऑफिशियली देशद्रोह के मामले में रजिस्टर्ड है, लेकिन उनके ऊपर आरोप नहीं है, उनके ऊपर धारा लगी है। ये वो कन्हैया कुमार आपकी ये कौन किसका क्लासमेट है, कौन किसका क्या है, लेकिन कन्हैया कुमार देशद्रोही है, देशद्रोही है, इसलिए देशद्रोही है, इसलिए उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज है। भारत माता के टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य नहीं, लेकिन मुखिया है। कमल की सरकार कमल की ही सरकार है, कमल सरकार मोदी जी की ही सरकार है। इसे कमल का फूल, कमल का फूल, कमल का फूल। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए KKR न्यूज के साथ।